गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास फॉर क्लास सिक्स. दिस इज द चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. ओके, सो इन आवर प्रीवियस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ एनी सब्सटेंस. ओके, जस्ट वी हैव स्टडी अबाउट टोटल 8 मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. ओके, लाइक थ्रेसिंग, हैंड पिकिंग, विनोविंग एंड सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन. ओके, वी विल स्टडी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट दीज मेथड्स वेयर वी विल हैव सम सब्सटेंस लाइक सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस and gaseous substance. So let's start. Okay, तो हम इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो ये डिफरेंट मेथड्स हैं सेपरेशन मेथड, जिसमें हमने बात किए थे कि सेपरेशन में हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनको अलग अलग मटेरियल्स को जो है हम क्या करते हैं उनसे अलग करते हैं, यानी कि सेम मटेरियल्स को हम एक तरफ रखेंगे और उससे जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनको हटाकर हम किसी और जगह पर रखते हैं. ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जैसे फर्स्ट है हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग में जनरली हम क्या करते हैं, जैसे सबसे जो है हमारे किस किस फॉर्म में रहते हैं, किस स्टेट में होते हैं, तो वो हमने आपको बताया सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फर्स्ट, देन सेकेंड लिक्विड, देन थर्ड इज गैसियस. ओके, गैसियस फॉर्म में ये हमारे जो सब्सटेंस है वो अवेलेबल होते हैं. तो अब हम इनमें देखेंगे कि जो हैंड पिकिंग है, थ्रेसिंग है, डिकंटेशन है, सेडिमेंटेशन, इसमें हम सॉलिड टू सॉलिड मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं, या सॉलिड टू लिक्विड मटेरियल सेपरेट करते हैं, या फिर हम लिक्विड टू गैसियस मटेरियल्स को जो है हम सेपरेट करते हैं. ठीक है, चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग में हम क्या करेंगे, सॉलिड को जो है सॉलिड से ही हम सेपरेट करते हैं. जो डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं, जैसे हमने सॉलिड में देखा राइस है ना, राइस की बात की थी, तो राइस में हमारे कुछ छोटे छोटे से कंकड़ सैंड पार्टिकल्स होते हैं, है ना. तो वो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो सॉलिड ही हैं. तो सॉलिड टू सॉलिड सेपरेट करना, सॉलिड टू सॉलिड लाइक हमारे सैंड पार्टिकल है ना, ये आप समझ जाएं, सैंड पार्टिकल इनको सेपरेट करना, सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन हम किस में करते हैं, ये हम हैंड पिकिंग में करते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ठीक, देन नेक्स्ट है थ्रेसिंग. अब थ्रेसिंग में हम क्या करेंगे, थ्रेसिंग में भी आप देखे होंगे जैसे हमारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके जो प्लांट स्टॉक है उनसे हम सीड को अलग करते हैं ना, सीड को हम सेपरेट करेंगे फ्रॉम प्लांट स्टॉक. देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीड्स सेपरेट फ्रॉम फ्रॉम प्लांट स्टॉक है ना, प्लांट स्टॉक. तो यहाँ पर देखो जो प्लांट स्टॉक है और जो हमारा सीड है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पर सॉलिड है ना, है ना, सॉलिड, दोनों ही बोथ आर सॉलिड्स. तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सॉलिड को सॉलिड से हम अलग कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ भी वही होगा जैसे हमने हैंड पिकिंग में देखा, सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन हो रहा है, सॉलिड टू सॉलिड. ठीक है, ये आप समझ गए, सॉलिड टू सॉलिड थ्रेसिंग में. देन थ्रेसिंग के बाद हमने बात की थी विनोविंग. विनोविंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं उनको आप देखे होंगे, जब पूरा हार्वेस्टिंग हो जाता है, क्रॉप प्लांट को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें हम ड्राई करके फिर जो काऊ व फेलो होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्लांट स्टॉक से हम सीड को अलग करते हैं ना. फिर अलग करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, है ना, ये पिक्चर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है इसमें से जो सीड है, सीड जो ग्रेन्स होते हैं उनको हम अलग करते हैं उनके हस्क या फिर जो प्लांट स्टॉक होते हैं. हस्क मतलब हमारा जो भूसा है ना, भूसे को जो है हम सीड से अलग करते हैं, या कहें कि सीड को हम भूसे से हटाते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, विनोविंग यानी कि उड़ाने वाला काम,
किसकी हेल्प से? एयर की हेल्प से। जो एयर है, ब्लोविंग विंड जो है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हस्क है उसको हम ग्रेन से अलग करते हैं, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं, ये हस्क उड़कर इधर जाएगा, देन ग्रेन जो है ये नीचे की तरफ यहाँ आकर ये इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ, ठीक है, सारे ग्रेन्स। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप देख रहे हैं जो हस्क है वो क्या है हमारा, सॉलिड स्टेट में है, है ना, सॉलिड। देन सॉलिड के बाद आप यहाँ देखें जो ग्रेन्स हैं, वो ग्रेन्स भी हमारे क्या हैं, वो सॉलिड हैं, है ना, ग्रेन्स हैं वो भी सॉलिड हैं। तो सॉलिड टू सॉलिड, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी ये है सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन हम कर रहे हैं, सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन, ओके। तो ये बात हो गई है ना, तो हमने क्या किया, सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन किया, ठीक है, सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन हम किए, तो विनोविंग में भी ऐसा हो रहा है। देन विनोविंग के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो सेपरेशन मेथड है वो है सीविंग। अब देखो इस सीविंग में हम क्या करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें भी कि जो जैसे आपने कभी देखा होगा चालनी जो है उसकी हेल्प से जो बड़े बड़े से पार्टिकल होते हैं उनको हम स्मॉल पार्टिकल से हम अलग कर सकते हैं। जैसे रेत देखे होंगे आप चालते हुए, रेत में छन्ना लगाते हैं, है ना, जैसे अभी बड़े बड़े से आप उसमें दुकानों में देखे होंगे, तो जो ग्रेन्स होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे ग्रेन्स पार्टिकल्स हैं उनको हम चलनी की हेल्प से हम यहाँ नीचे हम छान लेते हैं, उसके बाद फिर बड़े बड़े से पार्टिकल या फिर कहें जो प्लांट स्टॉक वो रह जाते हैं वो यहाँ पर हमारे इसमें इकट्ठे हो जाते हैं ना ऊपर। तो यहाँ हम कहते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स को लार्ज पार्टिकल से सेपरेट करना हम सीविंग में करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, सॉलिड की, बट सीविंग में हम लिक्विड मटेरियल्स को भी हम क्या करते हैं, सॉलिड मतलब जो लिक्विड मटेरियल है उसमें से सॉलिड को हम हटाते हैं। अब वो उसके लिए एग्जांपल क्या है, वो है टी। टी हमारा बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे ना टी से हम टी लीफ को अलग करते हैं, है ना, टी में हम क्या करते हैं, टी लीफ को हम अलग करते हैं, है ना, उसकी लीफ को हम अलग कर रहे हैं। तो हमारा टी कैसा है, वो लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड फॉर्म में है। देन जो लीफ है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू सॉलिड हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ही समझ में आया कि लिक्विड टू सॉलिड हमारा सेपरेशन ये सीविंग में होता है। देन ऑल्सो सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन भी इसमें होता है, ऑल्सो सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन उसमें होता है, ठीक है, सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन, ठीक है। इसके लिए हमने आप बताया ये जो छन्ना है, या फिर एक बेस्ट एग्जांपल जो आटे का, आटे में कुछ छोटे छोटे से लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इस सीव की हेल्प से, जो सीव होल्स होते हैं उनकी हेल्प से हम करते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर गिवन है ना, इसमें भी हम क्या करें, सॉलिड टू सॉलिड, देन लिक्विड टू सॉलिड वाला हमने चाय की बात कर ली। अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन, है ना, सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है, इसमें जो है हम जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको हम सबसे पहले किसी लिक्विड मटेरियल में हम डिसॉल्व करते हैं, या फिर जो सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व हैं लिक्विड में तो उन दोनों को लिक्विड टू सॉलिड हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक बात हो गई किसकी, सेडिमेंटेशन में बात करेंगे हम सॉलिड टू लिक्विड, या कहें लिक्विड टू सॉलिड चेंज होता है, ठीक है, हम इसे ये कहें कि लिक्विड टू सॉलिड सेपरेशन, ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड सेपरेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये बात हो गई, देन नेक्स्ट है हमारा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में वही होगा लिक्विड टू सॉलिड, है ना, ये हमने आपको बताया था कि डिकेंटेशन में क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में चावल बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, चावल को हम धुलेंगे, देन धुलने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें चावल में जो छोटे छोटे से जो इम्प्योरिटीज़ थे जो कि इजीली वाटर में फ्लोट हो सकते हैं उनको हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन की हेल्प से हम हटा देते हैं, है ना, और बाकी जो हमारा चावल है वो रह जाता है ना। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योरिटी उसको हटा रहे हैं, चावल को धुलकर हटाने की जो प्रोसेस है इम्प्योरिटी को, वो है डिकेंटेशन, जिसमें हम करते हैं लिक्विड टू सॉलिड सेपरेशन करते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में वही बात हो गई, लिक्विड टू सॉलिड, है ना, लिक्विड टू सॉलिड फिल्ट्रेशन में, लिक्विड टू सॉलिड हम करते हैं, ठीक है। ये बात होगी किस में, ये हम बात कर रहे हैं फिल्ट्रेशन में, फिल्टर पेपर की हेल्प से जो हम फिल्टर करते हैं वो होती है फिल्ट्रेशन, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एवापोरेशन, है ना, जो लास्ट मेथड है। एवापोरेशन में हमने बात की थी ना कि जो हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, या फिर हम कहें कि वेपर फॉर्म में जो वेपराइजेशन हम करते हैं, जिससे वेपर फॉर्म में कोई भी इम्प्योरिटी और प्योरिटी जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो लिक्विड है, लिक्विड को हम क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, एवापोरेशन की हेल्प से। जो लिक्विड है, लिक्विड को हम चेंज करते हैं इसमें, डायरेक्ट चेंज करना सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी हैं वो क्या हो जाएंगी, इम्प्योरिटी जो है वो नीचे रह जाएंगी, यानी कि इम्प्योरिटी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जो प्योरिटी है, जो प्योर मैटर है, वो वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाएंगी या रिलीज हो जाएंगी, ये कहें, ठीक है। प्योर जो मैटर है वो हमारे क्या हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। जिसके जिसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। जो सॉल्ट है हमारा वो क्या करेंगे, जब कभी देखे होंगे आप जो मैराइन वाटर, जो सी वाटर है, उस सी वाटर में क्या है, जो हमारा सी वाटर है, सी वाटर में देखे होंगे ना सभी, सॉरी, जो हमारा सी वाटर है उसमें हम क्या करते हैं, सी वाटर में हमारा सॉल्ट डिजॉल्व है, तो इसको हम लेंगे और उसके बाद इसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे, है ना, गर्म करेंगे। तो हीट प्रोवाइड करने से जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उसके बाद जो सॉल्ट है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्ट सॉलिड यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है हम इसे वेपराइजेशन ना कह के या इवेपोरेशन ना कह के हम कह दें क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है। कौन सी प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस, जिसमें हम सॉल्ट को जो है लिक्विड से क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड टू क्रिस्टल, लिक्विड टू क्रिस्टल सॉलिड में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया एवापोरेशन, ठीक है। तो ये हमने सारे मेथड्स की बात कर दी, जिसमें किस मेथड में हम सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन करते हैं, किस में हम लिक्विड टू सॉलिड करते हैं, और किस में हम जो है लिक्विड टू वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन वेपर्स के साथ साथ सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्जन होता है ना। तो ये हमने बात कर ली सारे, ठीक। अब इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास में वो हम बात करेंगे यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। किसी एक जो मटेरियल है, जो मैटर है, उसको सेपरेट करने के लिए हम मोर देन वन मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमारा हो गया, किसी को सेपरेट करने के लिए हमें सेडिमेंटेशन की ज़रूरत हुई, फिर सेडिमेंटेशन के साथ साथ हम डिकेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं, देन उसके बाद फिर हम फिल्ट्रेशन करते हैं, जिससे हमें प्योर मैटर जो है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सारे डिफरेंट मेथड्स होंगे किसी एक पार्टिकल या मैटर को सेपरेट करने के लिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।